करके रखा है, देखिए सी, देखो मैं बहुत थक चुकी हूँ गाइस। इतना खराब चूहा कौन होता है बताओ गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय गोलूज चैनल। अभी से मेरा नाम गोलू रखना पड़ेगा लग रहा है। एनीवेज गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो एंड आज मैं उगता सूरज हो चुकी हूँ। किडिंग गाइस, मैं अभी जस्ट उठी हूँ। कल आई थी मैं अपना रूम, घर, चाहे घर छोटा हो, भरा हो, झोपड़ी हो, जो भी हो, अपना घर इज गट माई घर, जो कि एक्चुअली मेरा खुद का भी नहीं है, बट इट्स ओके, मैं रह रही हूँ, दैट्स माई घर, इट्स ओके। मैं ना अभी उठी हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू यू नो फ्रेशन अप एंड ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और आज बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा, मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या काम है। ओके सो गाइस, ये है मेरा बेड जहाँ पे मैं सोती हूँ, अपना इन पेटू को यहाँ पे लेटाती हूँ, मजाक कर रही हूँ। दैट्स माय बाइबल, मैं हमेशा बाइबल लेके सोती हूँ। एंड देखिए मेरा रूम का हालत एकदम से खराब हो रखा है। ये देखिए गाइस, मुझे ये सारा ऑर्गेनाइज करना है आज। ये देखिए, ये भी पूरा मेस्ड अप पड़ा है, ये कितना मेस्ड अप, और ये भी पूरा मेस्ड अप हो रखा है। और यहाँ देखिए बेटा, ये देखिए पूरा मेस्ड अप हो रखा है। सो यस गाइस, आज मैं अपने घर पे रहने वाली हूँ एंड मैं थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। एंड मैं सोच रही थी कि बाबी की ट्रेंड चल रही है, मैं बाबी मेकअप वाला वीडियो बनाऊँ एंड ऑल्सो बाबी बहुत सारे कंटेंट सोच रखा है, बट आई कैन नॉट एग्जीक्यूट इट। पता नहीं मेरा दिमाग में क्या आ रहा है, और लेजीनेस। मैं कल से एक्सरसाइज करूँगी, आज नहीं, आज मैं तरह से मज़े ले लेती हूँ। मज़े क्या लेना, आज मैं पूरा काम करने वाली गाइस। एंड आई जस्ट वांट टू शो यू, एंड आई जस्ट वांट टू शो यू कि मैं भी काम करती हूँ, ठीक है। आज पूरा ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ मैं इधर उधर से। सबसे पहले मैं मुँह हाथ धो के ब्रश मार के ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, पूरा अनफ्रेश रखो। और मेरा हॉट डॉग कैसा काला हो रखा है। चलो बाय, मिलते हैं गाइस। गाइस आई वॉज शिफ्टिंग सामान हेयर एंड देयर, और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आई लव लाइक हेल। मैं अकेले इतना हंस रही थी, इतना हंस रही थी, इतना हंस रही थी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इसको यहाँ पे पुश करके रखा हुआ है, एंड सी यहाँ का ज़्यादा पानी में भीगने के कारण ये खराब हो गई। ये देखो अलग से हो गए, निकल गए। हे प्रभु, हे प्रभु जगन्नाथ स्वामी, आई एम सो फ्रिकिंग टायर्ड, काम खत्म ही नहीं हुआ। ये देखिए गाइस, चूहा ने क्या हाल करके रखा है, देखिए सी, तीन बस्ता कपड़ा काट दिया था, उसको मैंने पूरा फेंका, ठीक है। एंड देन सी, ये इसको मैं कैसे पहनूंगी बताओ, अब कैसे पहनूंगी, दुनिया से अपना कौन सा शरीर छुपाऊंगी बताओ गाइस। और यहाँ पे देखो, जबकि ये हैंगर पे लगा के रखा हुआ था, देखिए मेरा इतना प्यारा हुडी काट दिया, देखो बर्बाद। मेरा तो इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना देख के, मेरा पूरा बेडशीट काट दिया, दो दो सेट, मेरा ज़ारा का बूट्स काट दिया, वो तो बहुत पहले काटा था, 5000 पे ख़रीदा था, एक ही बार पहना, तब से अभी 2 साल 3 साल हो गए, मैंने उसको छुआ तक नहीं। क्या करे, कैसे करे इस चूहा से, कैसे चक 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 क्या हो रहा है, छुटकारा पाए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँगा। इस कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, वहाँ से कैसे छुटकारा पाए। मोस्टली मैं यहाँ रहती नहीं हूँ ना, इसीलिए अभी और काटा है कपड़ा, 3 बस्ता मैंने कपड़ा फेंका है। मोस्टली तो वैसे वाले कि मैंने खरीद के रखा हुआ, मैंने बोला पतले हो के पहनती, पतला हुआ ही नहीं, पूरा कपड़ा काट दिया। हम लड़कियों की शौक भी बहुत गंदी है, मैं शॉपिंग करना बहुत पसंद है, मतलब हम कुछ भी चीज़ ना पसंद आते तो ले लेते हैं, बट उसे इस्तेमाल नहीं करते। आपने मैक्सिमम मुझे ना एक दो कपड़ों में ही देखा होगा, बट मेरे पास ना बहुत कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा, घर वाले सब सुनाते हैं, हर घर पे सुनाते होंगे, बट मेरे घर वाले सुनाते हैं ना वो सही सुनाते हैं, क्योंकि मैं ना हमेशा कपड़ा लेती हूँ। और हाँ, हमेशा जब सब्जी लेने के लिए हम लोग सैटरडे मार्केट या वेडनेसडे मार्केट जाते हैं, तब भी ना मैं वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कपड़ा उठा के लाती हूँ, फिर मैंने आज तक कपड़ा डाला ही नहीं।
मैं वीडियो बनाना भूल जाती हूँ, एक तो बिजी रहती हूँ। चूहा ने पूरा काट दिया। चूहा ने बोला कि हाँ जी गोलू मैडम, आप अगर नहीं पहनोगे तो हम कर लेते हैं इसका काम तमाम। मेरे दोस्त, तो आज के दिन तो ऐसे ही निकल गया, काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और सारे के सारे कपड़ा मेरा वेस्ट हो गया। चूहा ने तो मेरे इतने सारे गाउन काट दिया ना, चप्पल भी पूरा वेस्ट हो गया, पानी भीग के ख़राब हो गया था। तो वीडियो नहीं बनाया मैंने, पर और एक बस्ता बचा है उसका मैं दिखाती हूँ, उसमें भी बहुत सारा गाउन है। और ये कपड़ा ना भीग के मेरा एक गैस का वो वैसा वाला था, स्पैगेटी टाइप, वो ना पूरा DIY हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, बट वो अभी उल्टा सुंदर लग रहा है। वो आपने मेरा एक व्लॉग में देखा होगा, हम जब 0 जा रहे थे तब मैंने पहना था, ब्लैक कलर का था। अभी वो ना थोड़ा पर्पल मिक्स हो गया, पर्पल वाइट मिक्स। मेरा ज़ारा का एक फेवरेट वाला शर्ट भी ख़राब हो गया यार। जो गरीब होते हैं ना उसके साथ यही होते हैं, हम गरीब के साथ यही होते हैं गाइस। सी गाइस, बहुत ज़्यादा मैंने कर लिया है, देखिए रुक जाओ लाइट खोलती हूँ। सी गाइस, बहुत ज़्यादा तो मैंने कर लिया, अभी भी बहुत काम बाकी है, मैं बहुत थक चुकी हूँ गाइस। ये टूट गया तो मैंने सारा सू इस पर ही डाल दिया है मैंने बॉक्सेस को, देखिए पूरा कपड़ा। गाइस मैं जस्ट वापस आई हूँ, मैं ग्रोसरीज स्टोर गई थी, मैं ये लेकर आई हूँ ना, आधा आधा किलो लेकर आई हूँ। एक तो इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है, ये देखिए आलू मैंने अच्छे से देखा भी नहीं, जहाँ तहाँ लेकर आ गया, इतनी गर्मी थी बाहर पे। एंड मैंने यहाँ पे चिकन लाया है, आई विल ईट चिकन टूडे कुकड़ को। एनीवेज, और ये मैं माजा पीने के लिए लाई हूँ, वैसे रियल जूस ढूंढ रहा था नहीं मिला। एनीवेज मैंने ग्रेप्स थोड़ा बहुत ये लेकर आई हूँ, ये हो गया, ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा ही है। मैंने ये सब ना मैंने छोटा छोटा लेकर आया, क्योंकि पहले मैंने बहुत बड़ा बड़ा लेकर आता था, मतलब बीन अरुणाचली हम ना छोटा छोटा चीज़ खरीदने में शर्माते हैं यहाँ के लोग। अभी मैंने सीख लिया है कि नो ब्रो, हमें इकोनॉमिकली चलना पड़ेगा, नहीं तो बाद में अकाल आ जाएगा अरुणाचल में ना। सब मैंने छोटा छोटा लाया, बिकॉज मैं ना इसको भी खोल दूँगी ना, यहाँ से मैं 2 पीस ही खाऊँगी, फिर मैं ऐसा लेफ्ट मतलब छोड़ दूंगी, एंड देन मैं अगर कहीं बाहर गई तो वहाँ 1 महीने के बाद मैं घर वापस आती हूँ। इसीलिए अभी से ना मैंने छोटा छोटा खरीदना सीख लिया है। पहले मैं बहुत सारा स्टोर करके रखता था बहुत सारी चीज़, अभी ऐसे कि डेट एक्सपायरी हो गया और मुझे फेंकना पड़ता है। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे पूरा स्टोर कर दिया है। ये है दलिया, मैं सोच रही थोड़ा हेल्दी खाऊँ, एंड पिकला। एंड देन गाइस ये देखिए, ये भी डेट एक्सपायरी हो चुकी है, अब मैं इसको फेंकना पड़ेगा, ऐसी है बस। लाते मैंने एग भी ना एक प्लेट लाया था, बट उसको खाया ही नहीं, पूरा ख़राब हो गया, मैंने फेंक दिया था। ये देखिए गाइस, यहाँ पे एक बकेट कपड़ा है, इसको पूरा मुझे धोना है। मैंने ना वहाँ पे 2-3 बैग मैंने वॉशिंग मशीन में धोने के लिए दिया था, अब इसको फिर मैं धोऊँगी। कब तक मैं दीदी के घर पहुँचाते रहूँगी, मैं सोच रही हूँ। मैं रेगुलर नहीं हूँ ना, अगर रेगुलर होता तो मैं यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगवाती छोटू सा। सी गाइस, इतना ख़राब चूहा कौन होता है बताओ गाइस। अब ये तो वेस्ट हो गया ना, अब इसको फेंकना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ये सारा कपड़ा मुझे यहाँ पे डालना है, विंटर के कपड़े हैं ना, यहाँ बाहर बहुत हैवी हो जाते और भी है बहुत सारे, बट क्या करूँ, अभी इसको यहाँ पे डालना है, कपड़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई, और मैं पसीना हो चुकी हूँ। सी पसीना हो चुकी हूँ मैं।